24 का चौधरी कौन में आपका स्वागत है। हम सिद्धार्थ नगर के सनई चौराहा पे हैं, डुमरियागंज लोकसभा सीट है ये। सपा से कुशल तिवारी उम्मीदवार हैं, उनके पिता हरशंकर तिवारी जाने माने दबंग नेता थे, पूरे पूर्वांचल में उनका दबदबा था। और भाजपा से एक बार फिर जगदम्बिका पाल उम्मीदवार हैं, 3 बार के सांसद हैं जगदम्बिका पाल, 1 बार कांग्रेस से सांसद रहे, 2 बार भाजपा से सांसद रहे, इस बार फिर से उम्मीदवार हैं। लोग हैं यहाँ पर कुछ सनई चौराहे पे, उनसे हम जानते हैं कि जो मौजूदा सांसद और मौजूदा भाजपा प्रत्याशी हैं उनका कामकाज कैसा रहा है और कुशल तिवारी उन्हें कितनी चुनौती दे पा रहे हैं। बात करते हैं कुछ लोगों से। क्या नाम है सर आपका? सुनील पांडे। सुनील जी क्या करते हैं आप? शिक्षक हैं। शिक्षक हैं। अच्छा शिक्षक हैं। स्कूलों की स्थिति कैसी है पहले यही बता दीजिए। स्थिति पूर्व की भांति है, कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है। हाँ ऐसा नहीं कि पहले बहुत जो चेंजिंग होनी चाहिए तो वो बदलाव नहीं आ पाया है। जो स्कूल की सुविधाएं होनी चाहिए बहुत अच्छी सुविधा नहीं है। बहुत अच्छी सुविधा नहीं है जी। आपके जिले का क्या हाल है? राजनीतिक तापमान कैसा है जिले का? वैसे तो तापमान बहुत बढ़ गया है जी। जी हाँ अब सर कांटे टक्कर हैं इस बार जो है। पिछली बार से पाल जी थे, उनका कार्यकाल 3रा कार्यकाल है, तो इस मायने जिले का विकास होना चाहिए तो सही ढंग से विकास नहीं हो पाया है। इस वजह से और ये ब्राह्मण प्रत्याशी नाम भी जो है तमाम ब्राह्मण इनके पक्ष में हो रहे हैं, कुशल जी के पक्ष में, कुशल तिवारी के पक्ष में, चूंकि ब्राह्मण प्रत्याशी हैं तो ब्राह्मणों का वोट कट रहा है बीजेपी का। लेकिन ये कांटे टक्कर है, ऐसा नहीं कि इन्हीं पक्ष में सारे लोग चले जा रहे हैं, तमाम बीजेपी या मोदी के नाम पे तमाम लोग उनको वोट करेंगे बीजेपी को। कुछ वर्ग ऐसा है ब्राह्मणों का वो मतलब जा सकता है सपा में। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कागज पर सपा गठबंधन के जो सपा के जो उम्मीदवार हैं वो मजबूत दिख रहे हैं जी। जी इस बार लग रहा लड़ाई में बच्चे। अच्छा मैं जिले का जो सामाजिक समीकरण देख रहा था जी, जी। तो उस हिसाब से तो फिर कभी भी भाजपा के उम्मीदवार को यहाँ नहीं जीतना चाहिए, जो परंपरागत हिसाब से जो सीट की स्थिति बनती है जी। अक्सर क्योंकि यहाँ के लोग जो है वो भाजपा के पक्ष में योगी के नाम पे या मोदी के नाम परंपरागत वोट करते आ रहे हैं, इस नाते भाजपा जीत रही है। और जो मुस्लिम मतदाता थे उनके बिखराव हो जाता था पिछले चुनाव में, ऐसा कुछ सपा के पक्ष में जाते थे कुछ बसपा के पक्ष में, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार मुस्लिम मतदाता एकजुट होकर के सपा के पक्ष में वोट कर रहे हैं। ठीक है समझते हैं उनसे। क्या नाम है चाचा आपका? राजा राम पांडे। राजा राम जी आप तो बहुत चुनाव देखे होंगे जी। हाँ और चुनाव का आपका लंबा अनुभव है देखने का, कैसा लग रहा है इस बार का चुनाव, कैसा लग रहा है आपकी सीट का? बहुत बढ़िया है, बीजेपी के पक्ष में बहुत बढ़िया। ये कह रहे थे कि नहीं है, आप कह रहे हैं कि विकास के मामले में हमको पानी मिला, हमको जो है बिजली मिली, हमको मेडिकल मिला, हमको रोड बढ़िया से बढ़िया मिला। अब ना चाहने वाले भाई ना चाहें, लेकिन बहुत बड़ा विकास हुआ है सिद्धार्थ नगर का जो है पाल जी के द्वारा। अच्छा कुछ अभी हम बात कर रहे थे कहीं पर तो वो लोग कह रहे थे कि 3 बार के सांसद हैं, 2009 से 14 में भी सांसद रहे तो कांग्रेस की सरकार थी। एक मिनट मेरी बात हो जाने दीजिए। 2 से 9, 14 सांसद रहे तब भी कांग्रेस की सरकार थी, वो कांग्रेस के एमपी थे। 14 से 19 और 19 से 24 3 बार वो सांसद ऐसे समय में रहे जब जिस पार्टी के वो सांसद हैं उनकी सरकार रही, लेकिन उस हिसाब से उद्योग धंधों को लेकर कोई काम नहीं किया। उद्योग धंधे की बात हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा चल रहा है, जल्दी से जल्दी यहाँ के जनता के बीच उद्योग धंधा लगने वाला है। क्या उद्योग धंधा लगने वाला? उद्योग धंधा ऐसे नहीं है कि भार का जो है भूजा है भूज करके रख लो, बड़ी बड़ी शर्तें पूरा करनी पड़ती है जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को, तब आता है। बहुत अनुभव है चाचा आपको, क्या मतलब कौन सा उद्योग आ रहा है यहाँ पर, कुछ आइडिया? अभी आना होगा, वो आएगा तो लोग देखेंगे, आप भी देखेंगे। अभी आपको रहना है ना? मुझे नहीं रहना, मैं तो आज चला जाऊंगा। ठीक है चलिए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हफीजुल्ला है। हाँ। और यहाँ के जो सांसद है 3 बार जीते हुए थे। हाँ। लेकिन उन्होंने काम कुछ भी नहीं किया सिद्धार्थ नगर में, भले से विकास जो भी विकास हुआ है अखिलेश यादव के राज में हुआ है, और अखिलेश सरकार ही आनी चाहिए यहाँ के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि विकास चुनाव यार अभी केंद्र का हो रहा है, अभी अखिलेश का नहीं हो रहा है। नहीं नहीं केंद्र का हो रहा है, लेकिन कैसा कि नहीं, आप कह रहे ना कि अखिलेश सरकार ही यहाँ आनी चाहिए। हाँ, आनी चाहिए, आने वाले वक्त में आ सकती है। हाँ, 27 मिनट में बात करेंगे। क्योंकि सत्य की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी काम होना चाहिए अच्छे से विकास, मालूम लोग परेशान है। अब उन्होंने कहा कि ये चीजें मालूम होना चाहिए, वो चीजें होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में मालूम है गरीबों का कोई काम नहीं हो रहा है, गरीबों को मालूम है बगैर पैसा के मालूम आधा प्रधान खा लेते हैं, कम से कम उनको मालूम है इंक्वायरी करनी चाहिए। अभी मालूम है दबदबा होने की वजह से कोई भी कोई काम नहीं कर पाता है। ये मैं समझ नहीं पाया यार, थोड़ा इसको थोड़ा साफ करके बताओ। साफ जैसे कि गांव का प्रधान है, नाली का काम हो रहा है, नाली के काम में मालूम जो काम होना चाहिए
अब वो मालूम है जो नाली साफ करने वाला वो आदमी रख दिया, रख दे रहा है, वो सब सफाई कर्मचारी ही नहीं आता है। ये सब व्यवस्था मालूम है जैसे कि यहाँ के मालूम लोगों को होना चाहिए, जैसे कर्मचारी हैं स्टाफ, ये तो लेकिन पंचायत जिला पंचायत ये सब उसका काम है, इसका तो सांसदों से कोई मतलब नहीं है। संसद से फंड ही मिलता है ना, संसद से क्यों फंड मिलेगा इसका भाई, इसका इसका संसद से इसका कोई सम्मान नहीं है भाई, संसद से इसका। एक मिनट यार, मालूम हो जाने वालों बोलना उनका हक है, क्यों नहीं बोलेंगे? आपने कहा है अभी अभी कि अखिलेश यादव को जीतना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। अखिलेश यादव अयोध्या जी में गए और भाषण दिए, प्रचार किए, लेकिन राम का दर्शन नहीं किए। बोलिए हिंदू पब्लिक यहाँ जो खड़ी है इस पर खुश है ना खुश? अच्छा अगर जो है वो दर्शन राम का किए होते तो ये नाराज हो जाते। अच्छा यू इनको खुश करने के लिए राम का दर्शन नहीं किए, चलिए बात करते हैं। बोलिए क्या नाम है आपका? इधर कैमरे की तरफ रही। अखिलेश कुमार त्रिपाठी, चंदन तिवारी। बोलिए सर, आपका भी यहाँ उम्मीदवार की तरह दो दो नाम है, विष्णु शंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी। कुलदेव नाम से ना जोड़ा हमारा नहीं, लेकिन आपका भी उर्फ है ना, इसलिए मैंने कहा नहीं है। अच्छा अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि लोग तो नाराज दिख रहे हैं। नहीं नाराज दिख रहा, कोई कसम खा के दे दे कि नहीं देंगे वोट। अच्छा। जगदम्बा का कृपा होगा तब कुशल होगा, मंगल होगा, बस इतना जान लीजिए कि कौन जीत रहा है। नहीं नहीं एक मिनट, हाँ, बात कीजिए। अरे काम भैया सत्यानारायण भाटी आप बताइए। अरे काम का लोग कह रहे कि कुछ काम ही नहीं है जिला को, बंद किए काम, पुलिस लगाए थे 10 बजे तक कोई दुकान खोलता था चौराहे पे, आज 12 बजे तक खोल रहे हैं। क्यों नहीं दुकान खोलते थे 10 बजे तक? गुंडा माफिया रहने तब नहीं खोला था मैं, अब सब कुछ आज 12 बजे रात को लड़कियां घूमती हैं। आपसे बात करेंगे, रुक जाइए, इतना बोलने ना दीजिए, करेंगे आपसे बात। और बताओ अखिलेश का सरकार आ जाए फिर। अरे यार करूंगा ना तुमसे बात, एक मिनट रुको। देखिए उधर का प्रधानमंत्री का कोई उम्मीदवार नहीं है, किसको चुना जाए? मोदी से बढ़िया कोई है? आप ही बताइए, आप किसको वोट दे रहे हैं? मेरा काम नहीं है बताना, बस वही गई घटना बताइए, बाकी लोग। बोलिए क्या नाम है आपका? मेरा राजेश कुमार नाम है। राजेश जी क्या करते हैं आप? हम फल बेचते हैं। कहाँ? यही इसी चौराहे पे? इसी चौराहे फल वल ठीक बिकता है? एकदम टनाटन, पैसा भी देके जाते हैं तो गुंडा मोहाली पैदा हो जाएंगे, साइकिल की सरकार आएगी तुरंत। साइकिल की सरकार में लोग दाम नहीं देते? मोहाली चालू, लूट पाट सब चालू, जैसे साइकिल की सरकार बनी। किस चीज के फल की ढेली लगाते हैं आप? फल का लगाते, केला बेचते हैं, सेब बेचते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये बताइए, सरकार बहुत बड़े बड़े दावे करती है कि आप लोगों को बहुत सारी स्कीम दिया हमने गरीबों के लिए, आपको किसी स्कीम का फायदा मिला? बहुत स्कीम का फायदा मिला, बहुत स्कीम। हाँ बिल्कुल, मेरे पास गैस सिलेंडर है। तू का बात यही था? आप इधर जा, तू का क्या पड़े? अरे एक मिनट यार, एक एक करके बात करूंगा ना। कौन कौन सी स्कीम का फायदा मिला आपको? क्यों नहीं, बहुत फायदा है मेरे पास। अच्छा पढ़ाई लिखाई कितने तक किया? हाई स्कूल किया। हाई स्कूल के, तो कहीं ये नहीं लगता है कि जो अगर जैसे लोगों की शिकायत है कि सरकारी नौकरी नहीं निकल रही? चोरन का खाली शिकायत बाय और क्यों नहीं शिकायत बाय, खाली ऐसे बोलना ठीक नहीं है कि जो हमारे विरोधी है वो चोर है, ये भी बोलना ठीक नहीं है। विरोध का लोकतंत्र में अपना स्थान है। बीजेपी की सरकार बन रही है, पाल जी जीत रहे, चाहे वो 80,000 वोट से जीतेंगे पाल जी। आराम से बोलिए, जैसे मैं मान लूं है, कोई भी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, कहने का मतलब सबको रोजगार चाहिए। ठीक बात है, ठीक है। आप क्या करते हैं? हम रिक्शा चला रहे हैं, टेम्पू चला रहे हैं, हमारा लड़का पढ़ करके टेम्पू चला रहा है, क्या मतलब हुआ बताइए? अच्छा आप कितने तक पढ़े पहले बताइए? आप कितने? हम भी 8 तक पढ़े हैं। 8 ही तक पढ़े हैं? हाँ। तो 8 तक पढ़े हैं, 8 तक, आज की पढ़ाई और पहले की पढ़ाई की अलग। अरे बाबा, तो लेकिन नौकरी के लिए एक योग्यता चाहिए, मैट्रिक इंटरव्यू तो पढ़े हैं, उनको तो नौकरी लगना चाहिए। एक मिनट पर क्या मैं, अरे एक मिनट आप बताइए, एक चीज बताइए, आपके लड़के कितने तक पढ़े हैं? बीए फाइनल करके बैठे हैं सब। कोई कंपटीशन दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं? तैयारी क्या, जब कोई तैयारी नहीं निकला तो क्या तैयारी करेंगे यहाँ, बताइए हमको। अच्छा क्या तैयारी निकला है यहाँ, क्या रोजगार निकला है यहाँ बताइए? एक मिनट, रोजगार है, चाय बेचो भी रोजगार है। यार या तो मुझे आप सवाल कर लेने दीजिए,
जो मौजूदा सांसद हैं, तीन बार से सांसद हैं, उनका कामकाज कैसा रहा है? कामकाज जाइए गांव में देखिए क्या कीचड़ पड़ा है, सारा नाली साला सारा खराब पड़ा है, क्या हुआ बताइए हमको। आपका गांव किस इलाके? हमारा गांव सकतपुर है, जाइए देखिए साला सामने पोखरा है, बदबू मार रहा है लेकिन उसका कोई सफाई नहीं है। सकतपुर का हमारा गाँव, सामने पोखरा पड़ रहा है फिर भी कोई सफाई नहीं है, जाइए देखिए बदबू मार रहा है, क्या मतलब हुआ। अच्छा वहाँ पे जो पंचायत है, पंचायत होगी? नहीं वहाँ पंचायत कहाँ बना हुआ है, पंचायतें नहीं बना हुआ वहाँ। अच्छा नगर पालिका, अभी नगर पालिका हुआ ना, अभी दो तीन महीना हुआ ना, उससे पहले तो नहीं हुआ था ना नगर पालिका। अच्छा ठीक है, ये बताइए जो सपा के उम्मीदवार है कुशल तिवारी जी, उनको कैसे आंकते हैं आप? अभी भैया जब हम क्या नाम है, 9 साल यही हुआ तो हम क्या कहें, हम बताइए 9 साल यही हुआ, नहीं समझ पा रहा हूँ। 9 साल बीजेपी थी, अब जो आएगा देखा जाएगा क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसको उसका अलग बात हुई है ना। अरे 25 को चुनाव है, कुछ तो मन मनाए होंगे। अब तो 25 को आएगा तो 25 को देखा जाएगा क्या होगा। अच्छा जहाँ मन बनेगा सबका, वहाँ हम लोगों का भी मन बनेगा। तो अपने से डिसाइड नहीं करते हैं? अपने से नहीं डिसाइड करते हैं, जब जहाँ लोगों का डिसाइड होगा वहीं हमारा भी होगा। अच्छा वोट डालने जाते हैं तो मन में मुद्दा कौन सा होता है? अब मुद्दा वही क्या करे, जिसको सब देखते हैं कि हाँ यही। अरे यार जब खुद तुम खुद तय नहीं कर पाते हो क्या करोगे तो फिर क्या इतना उबल रहे हो। चलो क्या नाम है आपका? मेरा मुख्तार अली नाम है। हाँ मुख्तार अली। तो मुख्तार भाई ये बताइए, आप तो शायद 2-3 चुनाव में वोट डाल चुके होंगे, उम्र से लग रहा है। बहुत डाला हूं, ऐसा बात नहीं है। अच्छा बहुत मतलब 8 बार, जैसे अभी एक वीडियो जारी हुआ है 8 बार वोट डाला कल, वैसा तो नहीं है? नहीं नहीं ऐसा नहीं। अच्छा बहुत बार वोट, 2-3 से ज्यादा ही डाला हूं ऐसा कुछ। एक ही चुनाव में? एक चुनाव में नहीं, ऐसा थोड़ी है मजाक। अरे मजाक कर, अरे मजाक कर, ऐसा कुछ नहीं। अरे नहीं नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, 45 से ऊपर का मेरा उम्र है। हाँ हाँ नहीं नहीं अच्छी बात है। तो एक चीज बताइए, अच्छा एक चीज बताइए, छोड़िए दूसरों को जवाब मत दीजिए, एक चीज बताइए, अब चुनाव करीब करीब निर्णायक मोड़ पे आ चुका है आपके आपके संसदीय क्षेत्र का, क्या लग रहा है इस बार? ऐसा है चुनाव जो लग रहा है बीजेपी के आगे यहाँ पर सब फेल है। क्यों? हमारे हिसाब से बीजेपी के आगे यहाँ सब फेल है, क्योंकि हमारे जो संसद यहाँ के हैं वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा हाँ, कोई किसी का भी हुआ जात धर्म पे कोई उनका वो नहीं रहता है, और काम उनको जो लग जाए तो हर कोई उनको वो हर किसी के पास आते हैं। अभी तो ऐसा कुछ नहीं, कोई कह रहा था हमारे इलाके में कोई, दिल की बात अलग है। हाँ। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, हमारे संसद जो यहाँ के हैं वो बहुत सही है। अच्छा एक चीज बताइए, जो आपकी बिरादरी के लोग हैं हाँ। उनका बीजेपी से खिंचाव रहता है? खिंचाव रहता है, वो अपनी अपनी दिमाग की जैसा जिसका सोच होता है उसी हिसाब से आदमी काम करता है। लेकिन एक मैंने आपको लगता है, चूंकि हमको भाजपा से कोई जरा भी नहीं, हमको भाजपा से बहुत कुछ मिल चुका है। क्या क्या मिला है चलिए यही बता दीजिए, क्या क्या मिला भाजपा से? देखिए क्या क्या मिला है, इतना दिन से हम सरकार को वोट करते आए, किसी को भी वोट करते आए हैं हाँ। हमको 1 रुपये का फायदा नहीं, हमको भाजपा से अब की बार हमको पहला बार हमको आवास मिला है, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास 2.5 लाख का आवास मिला है हमको, ये सबसे बेहतर सरकार यही है। और भी कुछ मिला है? और जो मिल रहा है सबको, हमको भी मिला है, गल्ला सबको मिलता है, हमको भी मिल रहा है, झूठ उसमें बोलने का क्या है, सरकार हमको जो दे रहा है हम कहेंगे भाई। अच्छा एक चीज बताइए मुझे, चूंकि आप हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको सरकार अच्छा लग रहा है, अब यहाँ का संसद सबसे बेहतर हमको लग रहा है। अच्छा एक चीज बताइए, अपने की बात नहीं, यहाँ का संसद जो है सही है, संसद जो हमारे यहाँ के हैं सही है हाँ, कोई भी हो चलिए ठीक है, छोटा सा काम में क्या मैं क्या। अंकित श्रीवास्तव नाम है मेरा। तो अंकित क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस है मेरा गारमेंट्स का। क्या बीटेक? गारमेंट्स का बिजनेस है मेरा। अच्छा गारमेंट्स का बिजनेस है, धंधा पानी कैसा चल रहा है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि धंधा पानी खत्म हो गया, बहुत मतलब स्लो डाउन हुआ है, लेकिन फिर चुनाव के बाद हो सकता है मे बी इन्फ्लेट करें। मतलब कोविड के बाद धंधा बढ़ा था थोड़ा सा, थोड़ा नहीं कोविड के बाद थोड़ा सा अंतर आया, लेकिन ठीक है हो जाएगा। चेन है सोने की मोटी सी, लग रहा है कि धंधा फल फूल रहा है, कह सकते हैं। अच्छा लोग व्यापारियों से जब हमारी बात होती है तो लोग कहते हैं कि पहले बड़ा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समस्याएं थी, चौक पे बड़ी छिनतई टाइप की घटनाएं हो जाती थी। कुछ नहीं है ऐसा, कुछ भी नहीं है सर। क्या ये सच है? हम तो बाहर से आए, हमें नहीं हम पता। लोग सर बिजनेस में जब भी सामान लेने जाते हैं अब उसका ये 2 नंबर से कुछ नहीं आता है। अच्छा जो भी है उसकी बिल्टी बनती है आराम से, ना तो कोई पुलिस टच करता है ना ट्रैफिक में कोई टच करता है, सीधे आके हमारे दुकान पे आ जाता है, उसके बाद सब कुछ सामान्य तरीके से चलता है। ठीक है ये तो आप केंद्र की नीतियों की बात कर रहे हैं कि उससे आप संतुष्ट हैं। बिल्कुल। सांसद जी का कामकाज कैसा है? सांसद जी भी बहुत बेहतर इंसान है,
क्या आप कभी निजी कुछ? बिल्कुल, यहाँ आते हैं, बैठते हैं, हम लोगों के साथ बीच में बातचीत होती है। तो ये लोग कह रहे हैं कि इस बार फंस गए हैं? नहीं, कुछ नहीं फंसे हैं, कुछ नहीं फंसे हैं। तो उतना तो जो एंटी इनकम्बेंसी होती है उतना तो थोड़ा बहुत चलता ही रहेगा, वो हर जगह की बात है। कैसे मात पाएंगे आपके हिसाब से एंटी इनकम्बेंसी से? एंटी इनकम्बेंसी पिछले बार जो भी जीते थे तो 1.5 लाख करोड़ से जीते हैं, मानते हैं 20% कट जाएगा। अच्छा, तब भी कम से कम लोग कह रहे हैं कि जब हम घूम रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण उम्मीदवार सपा ने दे दिया है। नहीं, सब जनता जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करता है, वो देश की उन्नति पे बात करता है, वो जो हमारा जो सिस्टम है जो विदेशों में इस तरीके इस बार मतलब पूरी तरीके से फैल रहा है उसकी बात करता है, जो इज्जत की बात करता है, जो रेपुटेशन उसकी बात करता है। क्या सारे लोग इस मुद्दों पर वोट करते हैं? इन मुद्दों पर करना चाहिए, करना चाहिए अलग विषय है, पर करते हैं, करते हैं तो लोग वोट तो करेंगे ही करेंगे। चलिए ठीक है, हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार पांडे। दीपक जी क्या करते हैं? जो भैया ये बोले हैं सबसे पहले कि भाजपा के सरकार में चोरी नहीं, क्या करते हैं मुझे ये बता दें। एक मतलब आप लोग क्या करते हैं ना कि जैसे क्वेश्चन पेपर कुछ भी हो आंसर जो रट के आए वही बोलते हैं। मैं दुकान करता हूँ। किस चीज की दुकान? बेकर्स की दुकान है। अच्छा, बेकर्स की दुकान है। कैसा चल रहा है कारोबार? अच्छा चल रहा है कारोबार। अच्छा चल रहा है ना? चल रहा, अच्छा चल रहा है। अच्छा ठीक है, आबादी इतनी बढ़ रही है तो कारोबार जाहिर सी बात अच्छा चलेगा। नहीं लेकिन लोग फिर कई बार कहने लगते हैं कारोबार की बात है। जो भैया बोले कि चोरी नहीं भाजपा के सरकार में होता है, क्यों नहीं चोरी होता? हमारे चौराहे पे अभी कुछ महीने पहले 6.5 लाख रुपया दिन दहाड़े 12 बजे गायब हो गया। कहते भाजपा सरकार में चोरी नहीं होता है, बताइए। वो दूसरी बात छिनतई की बात कर रहे थे कि वो जो स्नैचिंग और ये सब जो होती है चोरी क्यों नहीं होता, दिन दहाड़े चोरी हो गया यहाँ। इसके बाद जो आप बोलते हैं युवाओं को नौकरी नहीं मिल रहा है, मैं अपने भाई को पढ़ाता हूँ, एक गरीब परिवार का हूँ, ब्राह्मण गरीब परिवार का व्यक्ति हूँ, मैं अपने भाई को लखनऊ पढ़ाता हूँ, 3-4 साल पढ़ाऊंगा जो अभी बना फाइनेंस की कमी से नहीं पढ़ा पाऊंगा। इसके बाद वह जाएगा पेपर देने, पेपर लीक हो जाएगा, उसकी भविष्य भी लीक हो जाएगा। पेपर लीक एक बड़ी समस्या है, है कि नहीं समस्या है? और इस सरकार में क्या कार्य हुआ बताइए। हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं सबसे पहले। अच्छा, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष? अच्छा, अब समझ में आया मुझे। हाँ, ठीक है, मतलब आप सपा का काम करता है। सबसे पहले वो है एम्बुलेंस 112। हाँ, और इसके बाद जो कि लड़कियों को देते थे अपना लैपटॉप देते थे, 15,000 रुपया साइकिल देते थे, इनके सरकार में कहाँ कुछ मिल रहा है लड़कियों को? इनके सरकार में जो लड़के पास हो रहे हैं उनको इतना बड़ा मोबाइल मिल रहा है, बताइए कितना बड़ा मोबाइल मिल रहा है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब थे उनको इतना बड़ा लैपटॉप देते थे 30-32 हज़ार का लैपटॉप। अरे वो लैपटॉप कई बार चला ही नहीं। क्यों नहीं चला? पहले जो नहीं चला बताइए, हमारे चौराहे पे लोग चलाते, सबका चलता है। नहीं जब बटा था हम लोग भी थे, उनका चलेगा 2012-13 में लैपटॉप बटा था तो बहुत लैपटॉप चला ही नहीं। विकास के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, यह रोड है देख लीजिए आप, 15 साल से हम देख रहे हैं, इतने 15 साल से रोड देख रहे हैं, आज तक यह रोड बना नहीं। अच्छा, रोड नहीं बना? नहीं बना। यहाँ से आप चले जाइए उसका देख लीजिए, वो भी रोड नहीं बना। कौन सा रोड? उसका ये जो रोड है उसका वाला रोड जाइए दिखाइए। अच्छा, आप यही चले जाइए महाराजगंज में, इतना विकास हुआ है। महाराजगंज में कौन है सांसद? महाराजगंज में सांसद पंकज चौधरी जी। अच्छा, यहाँ के सांसद है वो, क्यों नहीं विकास करा रहे हैं? हमारे यहाँ मतलब जिले के जो सांसद जी हैं वह उनके मतलब ये होता है कि लोग यहाँ की नहीं, यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं, अपनी बस्ती से गाड़ियाँ मलाते हैं। अगर 1,000 गाड़ी यहाँ उनकी चलती है बस्ती की, अगर हमारे ज़िले के 1,000 गाड़ियाँ चलती तो हमारे ज़िले के लोग 1,000 रुपया प्लस 500 रुपया गाड़ी का अपना वो पाते कि नहीं पाते? हाँ, पाते कि नहीं पाते। तो यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं है क्या? गाड़ियाँ क्यों? गाड़ियाँ हैं क्यों नहीं? हाँ, उनको यहाँ की गाड़ियाँ पसंद नहीं है। अरे ये इसके लिए सरकार क्या करेगी, किसी को किसी ट्रैवल का पसंद है। चलिए, तो ये सनई चौक पर कुछ लोग थे जिनको आपने सुना, उनके अपने अपने दावे हैं, नेताओं को लेकर अपने अपने मत हैं, उनका मत किस करवट बैठेगा ये 25 मई को पता चलेगा जब ये अपना वोट डालेंगे, और 4 जून को जब रिजल्ट पता चलेगा तो पता रिजल्ट जब सामने आएगा तो पता चलेगा कि जगदम्बिका पाल पर कुशल तिवारी भारी पड़े हैं या जगदम्बिका पाल 4थी बार संसद पहुंचेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।